हरिनाथ जी महाराज है। अच्छा ये गाइस देखो, हाँ तपस्या करते हुए, अच्छा ये उठाए थे कर रहे थे तो अचानक से इंद्र ने अपनी शक्ति छोड़ी। हाँ गाइज वेलकम बैक टू ब्लॉग बैंगर। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं उज्जैन दर्शन पे, आप हमें देख रहे हो कि एक ऑटो में, तो अभी हमने एक ऑटो किया है, तो ये ऑटो हमें क्या है अभी उज्जैन दर्शन पे ले जाने वाली है। 6-7-8 पॉइंट है वहाँ पे, अभी अपन घूमने जाएंगे। छोटू फिर उनको बताएगा कहाँ कहाँ जाएंगे, छोटू कहाँ जाएंगे बताना। 8 पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, 8 पॉइंट पे जाएंगे। शनि मंदिर, चिंतामन, शांतिपनी आश्रम, मंगलनाथ, सिद्धनाथ, कालगढ़, पथरी गुफा और गढ़ी। ये 8 जगह गाइज अपन घूमने जाएंगे। ये देखो महेंद्र भी, मतलब कैसा लग रहा है देखो 8 जगह घूमने में। तो अभी गाइज हमको पता लगेगा कैसी जगह, हाँ देख पता लगेगा। अभी हम 8 मतलब 8 कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, अभी देखने पता लग जाएगा। अभी हम मतलब पूरा फुल उज्जैन दर्शन हो जाएगा उसके बाद हमारा, ये 8 जगह जाने के बाद। चलो भाई फिर चलते हैं आप लोगों के साथ और फुल मस्ती करते हैं। तो हम अभी भरतरी गुफा पहुंच चुके हैं। अभी भरतरी गुफा में किस भगवान का मंदिर है छोटू? ये राजा भरतरी का है, राजा विक्रमादित्य का भाई का गुफा है यहाँ। अच्छा। तो तपस्या करते थे। तो गाइस हमारी एक विक्रमादित्य महाराज वाली वीडियो है, वो आप जाके देखिएगा, हमने उज्जैन वाली प्ले लिस्ट में डाल दी है, उससे रिलेटेड ही है ये, क्योंकि उनके भाई थे। मेन बात है क्या कि वो राजा थे यहाँ के, तो उन्हीं से सब रिलेटिव सब उन्हीं की है। ये आप देख सकते हो भरतरी गुफा के पास हम पहुँच गए हैं, ये जाने का रास्ता है। तो अभी अपन इधर से जाएंगे और महेंद्र को देखो, महेंद्र आगे आगे बक चुका है अभी। क्या हो गया भाई, आ जा भाई। ये देखो अभी अपन अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये रहा मेरा भाई। ओ मैन, ओ गाइस योगी जी, ये गाइस देखो, ये देखो बजरंगबली दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो फिर से दिखाता हूँ गाइस। ये देखो बढ़ता है, ये है क्या मंदिर छोटू? देखो गाइस बजरंगबली, जय बजरंगबली। किधर इधर चलेंगे गाइस? तो अपन भरतरी गुफा के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं गुफा किधर की ओर है। फोटो खींचना मना है, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए अपन फोटो नहीं खींचेंगे, हम ओनली वीडियो बनाएंगे, ओनली हम वीडियो ही बनाएंगे। फोटो वाला ओनली। गुफे में अंदर जाने की बात, हाँ श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है, ऑक्सीजन बहुत कम है। हाँ गाइस तो अभी छोटू में बता रहा, जैसे गुफा के अंदर अपन जाएंगे ना, तो गुफा के अंदर जाने में ऑक्सीजन लेवल वहाँ का बहुत ही डाउन है, क्योंकि वो काफ़ी नीचे बना हुआ है, मतलब काफ़ी अंदर है, अंडरग्राउंड में है ना छोटू ना महेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल। तो अंडरग्राउंड में क्या है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए जाएंगे और हम और आप मिलके उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। देख सकते हो ये गुफा का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी अपन इधर से अपन जाने वाले हैं, ये है गुफा नंबर 1। यहाँ पे कितने गुफा है? दो गुफा है, एक इधर से जाएंगे उधर से निकलेंगे। तो गाइस अपने छोटू बता रहा है ये गुफा नंबर 1 है, ये 1 है और दूसरा नंबर उधर है। तो अभी एक नंबर गुफा से ये देख रहे हो लिखा हुआ है, तो अपन अभी इधर से अंदर। गाइस ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है अंदर में जाकर। महेंद्र भाई देख, तू ऑक्सीजन ले तो लेगा ना, तेरे दिक्कत थोड़ी होगी। ले लूंगा आपके ध्यान भाई, अगर कुछ हो गया तो भाई मैं जवाब नहीं दूंगा। गाइस फिर चलते हैं अंदर, आ जाओ गाइस। रुको रुको भाई, रुको, तू अपना ध्यान रख, डरना मत जाना। बिल्कुल नहीं डरेंगे भाई, तू है साथ में, डर किस बात की है यार। रुक जाओ भाई, मेरे को तो अभी से ही वो होने लग गया है, अंदर तो ऑक्सीजन कम, सफोकेशन काफी ज्यादा हो रहा है। अरे जल्दी चलो भाइयों, आ जा, आ जा भाई, नहीं तो आ जा आप जल्दी, आ जा। अरे तो आगे चल जाते हैं ना, पर आ जा ना गाइस। यहाँ पे आने के बाद इधर से है गुफा गाइस, देखो गुफा का रास्ता ये है, मैं भटक रहा हूँ रास्ता, लेकिन हमें क्या छोटू ने भी मेरे को बताया गुफा का ये रास्ता है, मैं भी उधर जा रहा था। तो गुफा का कितना छोटा सा रास्ता है, इसके अंदर से महेंद्र गया है। गाइस देख सकते हो कितना खतरनाक है यार ये, बहुत बड़ी चिड़िया। अरे जल्दी चलो यार, सफोकेशन हो रहा है काफी ज्यादा अंदर, और श्वास और ऑक्सीजन कम मिलेगी आपको। अब जल्दी चलना, तो अरे हम 20 बार आए हैं, चलो भाई मेरे को सब कहा। ये देख सकते हो कितना डेंजर है गुफा, इसके अंदर से जाना कितना खतरनाक है, बहुत नीचे है ये, ध्यान से गाइस इस गुफा में देखो। फिर भी मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, कुछ नए एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैन, क्लिक इट, इधर से है, जल्दी चलना मैन। गाइस ये देख सकते हो यहाँ से फिर ये रास्ता है, हम लोग गुफा में पहुँच गए हैं, फाइनली अपन गुफा में पहुँच गए हैं। गुफा का फिर रास्ता और भी मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता जा रहा है। अपने महाराज जी हैं यहाँ पे, हाँ इसकी स्टोरी के बारे में बताओ ना महाराज जी। बाबा हाँ,
यहाँ पे कौन से बाबा हैं ये गुरु जी? हरिनाथ जी महाराज। हरिनाथ जी महाराज है। अच्छा ये गाइस देखो, हाँ तपस्या करते हुए। अच्छा ये उठाए थे कर रहे थे तो अचानक से इंद्र ने अपनी शक्ति छोड़ी तपस्या भंग को, तो हाथ भर से इस पत्थर को रोक कर दिया। ये भर्तृहरि पत्थर के ऊपर इंद्र की, हाँ तो ये क्या वज्रास्त्र को रोका, तो ये भर्तृहरि जी ने रोका था। हाँ हाँ गुरु भगवान ये अपने हाथ से ऐसे। हाँ जैसे कि महाराज जी ने बताया अभी हमें कि यहाँ राजा भर्तृहरि बाबा भर्तृहरि जब कर रहे थे तपस्या उस समय इंद्र ने अपना ब्रज प्रहार किया था इनपे, तो इन्होंने पहाड़ को अपने ऐसे हाथों से लगा के गाइज ऐसे इन्होंने रोका था। गाइज देखो वही अभी देखो अभी बनी हुई है, कोई भी लगा के देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वैसा ही हाथ का बना हुआ है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, हम तो जल्दी चलते हैं। ठीक है महाराज जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। गाइज देख रहे हो ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, पसीने आ रहे हैं काफी ज्यादा मुझे। हर हर महादेव। देखो गाइस बाबा जी यहाँ पे भजन कर रहे हैं बस। गाइस यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, यहाँ के दर्शन मात्र से चारों धाम का पुण्य की प्राप्ति होता है। गाइस तो यहाँ पे दर्शन से चारों धाम की पुण्य की प्राप्ति होती है, अपने को हो गई फिर तो प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति हो गई। आप भी लोग देखकर पुण्य प्राप्त करो। हम और आप, मैं अगर पुण्य की प्राप्ति कर रहा हूँ तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो रही है। आप लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब का मतलब वो कर दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस फिर अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गुफा काफी ज्यादा डेंजर है और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफी कम है। मेरा महेंद्र प्रो भागा जा रहा है। भाई भाई रुक जा, बच के बच जाएंगे अपन। रुक जा भाई, बस बाहर निकल जाएंगे अपन। भैया वीडियो बंद चालू है। आजा आजा मुझे पसंद आ गया। आजा भाई, हो गया बस भाई, बाहर चल पहले, अभी हो गया। गाइस तो हमने गुफा में फाइनली दर्शन करके अपन आ गए, ये विन-विन सिचुएशन मैन। तो गुफा नंबर दो है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो अभी अपन गुफा नंबर दो पे जाएंगे। लेकिन गुफा नंबर दो में प्रवेश कर चुके हैं। मंकी आ गया पीछे से, अब मारूंगा बे। अरे मंकी आ गया गुफा नंबर दो में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो कितना डेंजर है ये गुफा नंबर दो, और भी ज्यादा डेंजर है। चोट लग जाएगी। और यहाँ पे भी कौन सा, ये श्री गोपी चंद्र जी का है, यहाँ पे क्या है, श्री गोपी चंद्र जी की धुनी है। देखो ये भी श्री गोपी चंद्र जी की धुनी है, आपको दिख रहा होगा। ये गुफा नंबर टू में है, हम लोग गुफा नंबर टू में है अभी। अब पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमें हालत हो रही है खराब, यहाँ पे काफी ज्यादा हमें झुक के जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा गुफा डेंजर है ये। चल और गाइस हमें बैठ के जाना पड़ रहा है क्योंकि जगह बिल्कुल ही नहीं है। आगे चलो, नहीं क्या कुछ, हर हर महादेव, जय महाकाल। गाइस ये देख सकते हैं बाबा यहाँ पे बैठे हैं इस गुफा के अंदर। हाँ देखो गाइस, देखो यहाँ बाबा बैठे हैं गुफा के अंदर और महाकाल की भक्ति में बिल्कुल लीन है। ये ऊपर क्या है, ये क्या है, कैमरा है और इसके ऊपर जो माइक है, ये माइक है। हाँ तो अपन जो बोलते हैं ये माइक कैप्चर करता है। हाँ इस गुफा की कुछ स्टोरी बताओ ना महाराज जी। ये तो है राजा गोपीचंद ने तब किया है। अच्छा राजा गोपीचंद जी की, और राजा भरते ने वहाँ एक नंबर पे किया। उन्होंने इसी लिंग की पूजा की। बाहर निकलने दो आप, इस लिंग की पूजा करते थे महाराज गोपीचंद जी। और नहीं राजा भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि जी। और 12 साल बाद इन्होंने दर्शन किया। अच्छा साक्षात विष्णु रूप, 12 साल बाद साक्षात विष्णु रूप में दर्शन किया उन्होंने। अच्छा राजा भर्तृहरि जी ने दोनों ने किया। अच्छा तो उनके जीवन मतलब संपूर्ण हो गया। नॉर्मल में हमें इतने पसीने आ रहे हैं, फिर उन्होंने जो तपस्या करी होगी तो हम बार बार नमन करता हूँ। बार बार वैसे आदमी को उस टाइम तो वो तपस्वी थी ना काफी ज्यादा, इसलिए उनको मिल गया। आजकल तो ऐसा होता है, भगवान की भक्ति में शक्ति है, भगवान की भक्ति में शक्ति है। और अपना उज्जैन और महाकाल की तो अलग ही भक्ति लीला है, मतलब सब उनकी भक्ति में रंग बिल्कुल नगरी अलग है, उसमें सब रंगे हुए हैं। आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से आया हूँ महाराज जी।
जयपुर से आए हम दर्शन करने, महाकाल जी के दर्शन करने, तो हमने कहा इधर भी घूम लेते हैं। ठीक है महाराज जी, फिर मिलते रहेंगे, हर हर महादेव। जयपुर में बढ़िया प्रतिमा मिल जाती है जयपुर में? हाँ है प्रतिमा, कुछ नहीं जयपुर तो मैन है। हाँ जयपुर में कलाकारी है, कलाकारी के मामले में हम मेन जयपुर में ही रहते हैं, तो मार्केट में सब चीज मिलती है, सब कुछ मिल जाती है। मार्बल क्या मार्केट में, मार्बल की आपको एक से एक मिल जाएगी, और मूर्ति के मामले में जैसी मूर्ति चाहिए आपको एक से एक मिल जाएगी वहाँ पे। मैं आऊँगा, मेरा भाई भी आया है बैंक मैनेजर। अच्छा हाँ, तो आप आओ महाराज जी जयपुर, फिर मिलते हैं, ब्लॉग में तो आप आ ही गए हो। ठीक है महाराज जी, हर हर महादेव। गाइस फिर अपन ने महाराज जी से अभी वार्तालाप कर ली है हिंदी में बोले तो अभी बात बात करके अब अपन निकल रहे हैं गाइस। छोटू और महेंद्र का पता नहीं कहाँ निकल गए ये दोनों, मैं अकेले फंस चुका हूँ। छोटू गाइस इनका पता नहीं, ये कहीं और निकल गए। मैं उधर महाराज जी से बात करने लग गया था, और देख सकते हो पसीने कितने ज़्यादा आ रहे हैं, गुफा काफ़ी ज़्यादा मतलब पैक है, जिससे हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी। फाइनली अपन गाइस अब बाहर निकलने वाले हैं, ये देख सकते हो आप, अपन गाइस फाइनली निकल चुके हैं ये बाहर, या नया जीवन मिल गया मेरे को तो। हेलो गाइस, गाइस तो अभी देख सकते हो मैं पसीने पोंछ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रखे हैं, देखो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। ये दोनों तो निकल गए पहले ही, ये दोनों 10-5 मिनट भी नहीं रुक पाए, लेकिन गाइस मैंने आपको रुक के वहाँ का पूरा व्यू दिखा के, वहाँ पे जो महाराज जी थे उनसे वार्तालाप करके वहाँ की स्टोरी के बारे में भी मैं आपको बताया हूँ। तो गाइस इस बात पे हमें कम से कम इस वीडियो से अच्छे खासे लाइक्स और एक एक कमेंट्स तो जरूर चाहिए। और गाइस ये चलाया वहाँ से हम लोग पहले आ गए तो उससे एक बेनिफिट हुई, एक लड़की की चश्मे गायब हो गई, बंदर लेके भाग गया। निकलने गुफा से निकलने के बाद यहाँ पे एक देख सकते हो शिव जी का मंदिर है, अभी अपन चल रहे हैं शिव जी के मंदिर में भी अपन आशीर्वाद लेके, फिर अपन चल चलेंगे। यहाँ पे हो गया अपन पूरा एक्सप्लोर कर लिए। जय शिव शंकर भोले दानी, ओम नमः शिवाय। ये देखो महाराज जी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, बढ़िया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चले फिर आगे, चलो हो गया दर्शन, चलते हैं गाइस फिर अपन नेक्स्ट जगह चलते हैं उज्जैन, क्योंकि हमें आज पूरा उज्जैन दर्शन करना है। तो अभी अपन बर्तरी गुफा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, घूम ले, हमारे पास टाइम भी कम है, तो अभी अपन नेक्स्ट जगह चलते हैं गाइस। बंद कर लेना नहीं तो वो लेके भाग जाता है। अरे अपना क्या ले जाएगा भाई, ट्राइपॉड ले जाएगा, देख आ रहा है हम तो फकीर आदमी है। अरे फकीर आदमी है उसको भी ले जाएगा वो उठा के, वो नहीं ले जाएगा, वो ले गया चश्मा। अरे वो लेके चला जाता है। क्या लेके चला गया, चल रहा है तू, चल चल चलो। अरे इधर थोड़ी जाना है, किधर जाना है, तो उधर से ही जाना है। अंदर आ गए दर्शन करके, और अभी अपने यहाँ पे चप्पल जूते पहनेंगे। और ये गाइस अभी देख सकते हो ये यहाँ पे भैया है, ये अपने मतलब यहाँ पे जो भी चप्पल जूता रहता है उनका बढ़िया से ख्याल रखते हैं, तो बहुत ही अच्छे आदमी भैया। कितने साल से हो भैया आप यहाँ पे? अच्छा तो भाई साहब हम यहाँ उज्जैन के रहने वाले हैं। अच्छा, और हमको कम से कम मिले करके यहाँ की जगह कम से कम 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए है गाइस। मतलब आप गाइड कर देते हो लोगों को, तो बहुत अच्छा काम कर रहेगा। ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करते हैं ऐसे लोग, क्या हमें डायरेक्शन देते हैं अच्छी जगह जाने का। धन्यवाद भैया हमारे चक्कर लेने के लिए। जय श्री महाकाल।